इस समय मैं प्रशांत विहार में खड़ी हूँ, जो कि रोहिणी का एक क्षेत्र है, और यहीं पर आज सुबह बहुत तेज धमाका हुआ है और आसपास के लोग सहम गए हैं, डर गए हैं। अभी भी यहाँ पुलिस है, जांच कर रही है कि आखिर क्यों ये पूरा धमाका हुआ, इसकी वजह पता लगाई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े आए, उनसे पूछ लेते हैं क्या हुआ था। कुछ पता चला आप लोगों को क्या हुआ था? नहीं, यही पता लगाया गया 7:40 के करीब धमाका हुआ है और जो नुकसान है वो दिख ही रहा है आपको। थोड़ा डर गए होंगे, सुनाई दी थी आवाज? हम तो बाद में आए हैं, हमें पता नहीं चला। सर आपका नाम क्या है? पुनीत। आपने सुना आवाज, कुछ पता चला था? मैडम मैं अंदर ही रहता हूँ। अच्छा। चार घर छोड़ के। तो सर कैसी आवाज थी, क्या कुछ था? बता। आवाज थी कि कोई बिल्डिंग गिर गई, मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, हम लोगों को लगा कि कोई हमारी कॉलोनी की बिल्डिंग गिर गई नीचे। इतना तेज धमाका था और इतना तेज उसका इम्पैक्ट था कि हमारा घर हिल गया, हमारी बिल्डिंग हिल गई, 5th मकान। आप मतलब इतना तेज़ धमाका था कि हम लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर हमने बालकनी में आके जैसे ही झाँका, बालकनी में आकर के यहाँ पर सफ़ेद धुआं उड़ रहा था, जैसे बवंडर, सफ़ेद बिल्कुल। तो जितनी देर में सब गली वाले बाहर निकल कर आए, हमें लगा कि लव पूरी के साथ कुछ हो गया। कोई इंटेंशन चेंज होती है ना एकदम में, कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, कोई कुछ नहीं हुआ, इसके बारे में तो नॉलेज ही नहीं थी। इतना तेज़ धमाका था। सर ये क्या था, ये बताएं क्या था? कुछ नहीं कह सकते। पाउडर किस चीज़ का था सर? कुछ नहीं कह सकते मैडम, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप लोग काफ़ी डर गए होंगे। हम तो सवेरे 7:40 पे जब यहाँ पर आए तो कोई केमिकल सा उड़ रहा था, और यहाँ पर खड़े होने की मतलब इतनी स्मेल आ रही थी जैसे टायर जल रहा हो। हाँ, और इम्पैक्ट आप यहाँ का तो छोड़ दो, वहाँ तक का इम्पैक्ट गया है, वो ऊपर तक इम्पैक्ट गया है इसका। वहाँ के शीशे फूटे हैं उस दुकान के भी, वो गाड़ी कॉलोनी की बाहर खड़ी हुई थी उसका शीशा वहाँ पर फूटा है, वो पड़ा हुआ शीशा अभी भी। आसपास जितनी गाड़ी वगैरह थी, दुकानें वगैरह, उनका शीशा टूट गया है। शीशे टूट गए हैं, आप बोर्ड्स देख सकते हो, बोर्ड्स किसी के टूट गए हैं ऊपर तक, वो शीशे ऊपर जाकर फूटे हैं, ये पड़ा हुआ शीशा ऊपर से आया है वो बिल्डिंग से, वो सब शीशे फूटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन, पब्लिक काफ़ी डरी हुई है, और आसपास की जो दुकानें हैं उनका शीशा भी टूट गया है, और साथ में आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी, बताया जा रहा है कि उनके शीशे भी टूटकर गिर गए हैं। आइए कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं कि आपने देखा था क्या हुआ था? नहीं, हमने देखा नहीं था, हम तो सेक्टर 7 में रहते हैं, 1.5 किलोमीटर दूर है, धमाका सुना था जब न्यूज़ पे देखा, तो जब आए हम उसके बाद। 7 किलोमीटर तक आपको आवाज़ सुनाई दिया? सेक्टर 7 में, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर तक आपको आवाज़ सुनाई देगी? आवाज़ सुनाई देगी जी, सवेरे मॉर्निंग वॉक कर रहा था मैं पार्क में। आप फिर भाग कर क्या या क्या हुआ? नहीं, हमें तो लगा कि नॉर्मल कोई आवाज़ हो गया, पटाखा बजा होगा कहीं पे, वो तो जब न्यूज़ में देखा तो उसके बाद आए हैं, जब पता लगाया हमें तो। तो कोई नहीं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है। घटना के बारे में बताएं सर, कितने बजे हुई, क्या हुई, आप लोग का रिएक्शन क्या था? आप ये पूछो घटना क्यों हुई है। 7:45 पे हुआ होगा, नॉर्मली सवेरे मॉर्निंग में ना, तो ब्लास्ट बहुत तेज था और ये आवाज़ इम्पैक्ट भी इतना तेज था, सभी लोग हम लोग उठ गए थे। जैसा कि सर बता रहे हैं कि घटना के पीछे कोई बड़ी वजह लग रही है, हालांकि सडनली हुआ है ये, लेकिन क्या वजह है, क्या होता था यहाँ? अब एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन तो मैं ये बोल सकता हूँ, अभी 6 महीने पहले स्कूलों को जो टारगेट करा था कि मेल्स आई थी जो कि अब बॉम्ब आया, ये सब स्क्वाड आया, ये सब वो सब, स्कूल बंद हो गए थे, बच्चों को घर वापस भेजा था। CRPF एक नोन स्कूल है, पैरा मिलिट्री का स्कूल है, हो सकता है उसको टारगेट करने के लिए, टेरर अटैक हुए कि डराने के लिए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये फेस्टिव सीज़न है, आज एक करवा चौथ का दिन था, ऑस्पिशियस डे था, तो दोनों का इम्पैक्ट, यहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। यहाँ ये जो दुकानें दिख रही हैं सामने, यहाँ रात को 11 बजे 12 बजे तक दारू पी जाती है, शरारती तत्व आते हैं, भीड़ बहुत होती है। वो तो AM को हुआ, ये PM को होना था, गलती से हुआ AM में, शाम को होता तो यहाँ क्या हाल होता देखते फिर आप। वर्किंग डे पे होता तो क्या होता? शाम को PM को होता, यहाँ रात को दारू पी जाती है, सब गाड़ियों में परोसी जाती है और शरारती तत्व होते हैं, ये कांड वही करने वाले हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की, कुछ लोग कह रहे हैं कि धमाका सडनली हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं साजिशन हुआ है, लेकिन वजह क्या है अभी भी पुलिस पता लगा रही है। मैडम लगभग 7:45 सुबह इस हमारे यहाँ पे प्रशांत विहार के अंदर में CRPF स्कूल के बाहर में एक धमाका हुआ, बहुत ज़ोर की आवाज़ थी, मैं उसके 100 मीटर दूरी पर रहता हूँ, और जैसी ये धमाके की आवाज़ सुनी मैंने, क्योंकि मेरा शोरूम भी यहाँ पास में है, तो मैंने अपनी सिक्योरिटी को बोला ज़रा पता क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, धुआं उठ रहा है। तो मैंने कहा पता करके आएँ, तो उन्होंने मुझे 5-10 मिनट बाद पता करके बताया कि एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है और ये वहाँ पे कोई काफ़ी पुलिस खड़ी हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है, सामने दुकानों के अंदर में उनके बोर्ड टूट गए हैं, शीशा टूट गए हैं, कारों के शीशे टूटे हैं, दुकान के शीशे टूट गए हैं।
मैं ये सुनकर के बड़ा एकदम से शॉक्ड हुआ और वहाँ जाकर के मैं पर्सनल गया, जाकर के देखा तो काफ़ी पुलिस भी पहुँच चुकी थी और कुछ वाइट पाउडर दीवार पे लगा हुआ था। दीवार में भी एक बहुत बड़ा क्रैक और छेद भी हो चुका था। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के ठीक सामने में लवपुड़ी वाला है, तो उसके दुकान के बोर्ड डैमेज हो गए और मालूम पड़ा कि वहाँ उस समय में दो लोग कुछ खा रहे थे और वो एकदम से आवाज़ सुन के भाग गए। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, ईश्वर का ये बहुत बड़ा शुक्राना है। और आसपास के लोग सहम गए, बहुत इमीडिएटली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस धमाके से लोग बहुत सहम गए, बहुत डर से गए, क्योंकि हमारे इस एरिया के अंदर बहुत शांति वातावरण वाला एरिया है, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। और ये धमाका होने से लोग क्या क्यों सोच में पड़ गए, हुआ क्या एकदम से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये आज त्यौहार का दिन था, सुबह में थोड़ा सा आज चहल पहल कम थी। और दूसरा, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो धमाका हुआ वो उस समय में वो स्कूल के छुट्टी थी, और स्कूल के अगर 8 बजे 7:45 बजे स्कूल के बच्चों का इतना रश होता है, अगर वो स्कूल का वर्किंग डे वाले दिन में होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।